आइए नजर डालते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने असम में कार्यरत विदेशी न्यायाधिकरण के अपर्याप्त होने के मामले में राज्य सरकार को पलटवार लगाई। उन्होंने 27 मार्च तक इस संबंध में हलफनामे पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्री जांच के मामले में पाया है कि कश्मीर अलगाववादियों को पाकिस्तान उच्चायोग ने कथित तौर पर भारत में अशांति फैलाने के लिए सीमा पार से कम 7 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जमीन घोटाले के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा के बहाने से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि जीजा जी के साथ साथ साले साहब भी भ्रष्टाचार में शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के सामने हरियाणा में 7 चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। अयोध्या शहर में युवती ने प्रतिष्ठित ऑटो शोरूम स्मार्ट व्हील के 4 अधिकारियों पर नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। जालौन में उप जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई बूथों पर ताले लटके हुए मिले और कई शिक्षकों की भी अनुपस्थिति मिली, जिन पर उन्होंने कार्रवाई की। कानपुर देहात में सपा बसपा गठबंधन ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए चुनाव का आगाज शुरू किया। साथ ही सम्मेलन के दौरान आए लोगों को प्रचार सामग्री बांट कर जमकर आचार संहिता की अवहेलना की। डॉक्टर कफील अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मेरा मिशन और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में घातक बीमारी से लड़ने के लिए 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस उपचार केंद्र स्थापित करना है। श्रावस्ती में फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रहे शिक्षक को बीएसए ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने 391 वोटों से दूसरी बार ब्रेक्सिट करार को खारिज कर दिया है। आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के मामले को चीन ने चौथी बार बाधित किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक वाइल ब्राइम डेस्टिन ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा है कि जब पहली बार मंगल ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाए तो वह एक महिला हो। नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस में एक स्कूल इमारत ढहने से मलबे में कम से कम 100 बच्चे और कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सीरिया के इदलिब प्रांत में रूसी हवाई हमलों में 6 बच्चों समेत कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई। हमले में करीब 30 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से नई दिल्ली सीट पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर चुनाव लड़ सकते हैं। 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 35 रनों से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज अपने नाम की। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ने टेस्ट क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में महाराष्ट्र अपने शानदार प्रदर्शन से फाइनल में पहुंची, जहां फाइनल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मुकाबला होगा। भारत के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने टीम इंडिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया। रियलिटी शो की ग्लैमरस कंटेस्टेंट रही अंकिता रॉय तिवारी ने टॉप ब्लॉगर का खिताब जीता है। अंकिता को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये प्रसिद्धि दिलाई है। 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के नामांकन सूची की घोषणा के बाद मनोज वाजपेयी ने पुरस्कारों में होने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद प्रशंसित फिल्मों को मुख्य धारा के पुरस्कारों की नामांकन सूची में भी कभी जगह नहीं मिलती है। डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम मोदी रखा गया है। ये वेब सीरीज 10 भागों में होगी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सोनाली बोस की फिल्म द स्काई इज पिंक फिल्म से बॉलीवुड में फिर से एंट्री करने जा रही हैं। इस फिल्म में प्रियंका के साथ फरहान अख्तर लीड रोल में होंगे। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री रमैया कृष्ण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सुपर डीलक्स को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में रमैया का रोल एडल्ट फिल्मों की स्टार लीला के रूप में दिखाया गया है।